मोदी जी, मैं आपसे कह रहा था कि इस भैंस को मत खरीदो, मत खरीदो इस भैंस को। अब देख रहे हो, एक तो ये भैंस दूध नहीं देती है, ऊपर से अगर इस भैंस से दूध निकालने को बैठो तो ये मारने के लिए डट जाती है। राहुल तुम बिल्कुल मत डरो, इस भैंस के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ तो तुम आराम से दूध निकालो इस भैंस से। ऐसा है राहुल, इस भैंस को अपना लोग अभी अभी खरीद कर लाए तो ये अपने पिछले वाले मालिक को भूल नहीं पाई है, इसे अपना पिछला वाला मालिक याद आता है। अब अपनों को ये अच्छी तरीके से जब पहचान जाएगी फिर आराम से दूध देने में कोई दिक्कत नहीं करेगी, फिलहाल तो ये डर रही है अपनों से। अरे मोदी जी, ये अपनों से डर रही है, ये अपना को डरा रही है ये। अरे जब मैं इस भैंस से दूध निकालने के लिए बैठता हूँ तो क्या बताऊँ, मुझे बेहिसाब डर लगता है। और आप इस भैंस के पास बैठते नहीं हो दूध निकालने के लिए, मुझी को बैठाते हो, आप तो भैंस के पास खड़े हो जाते हो आराम से। राहुल क्या बताऊं, मुझे खुद इस भैंस से दूध निकालते हुए डर लगता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।